क्या फ्लैश सेल की सच में जरूरत है 2018 में? मेरा मतलब यह है कि आज भी कंपनी फ्लैश सेल में अपने फोन्स को बेचती हैं, तो क्या सच में इसकी जरूरत है? क्योंकि आज की डेट में कंपनीज जो है वो काफी बड़ी हो चुकी हैं और वो इतने सारे फोन को मैन्युफैक्चर इजीली से कर सकती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि वो अपने फोन्स को फ्लैश सेल में बेचती हैं? तो सबसे पहले जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि फ्लैश सेल का जो कंसेप्ट है वो आखिर आया कहां से। तो सबसे पहले इंडिया में 2014 से पहले फ्लैश सेल में फोन्स बिकते नहीं थे, वो सिर्फ नॉर्मल सेल में बिकते थे जो कि ऑनलाइन हुआ करती थी या फिर ऑफलाइन मार्केट में बिका करते थे। और जब 2014 में Xiaomi की एंट्री हुई थी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में, तो वो अपना पहला फोन लेकर आए थे MI3, और वो पहला ऐसा फोन था इंडिया के अंदर जो पूरी तरीके से फ्लैश सेल मॉडल के अंदर बिका था। और तब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट Xiaomi लेकर आई थी इंडिया के अंदर, और उस समय Xiaomi ने ये रीजन दिया था कि उनकी जो कंपनी है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा नहीं है और वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है तो वो ज्यादा फोन्स को बना नहीं सकते, इसलिए वो जितने फोन्स बना रहे हैं उतने फोन्स को वो काफी कम दाम पे बेच रहे हैं और इसलिए वो फ्लैश सेल मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो ये चीज उस समय समझ में भी आती थी, और ये जो चीज थी ना फ्लैश सेल वाली, ये उस समय काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही थी। इस चीज ने काफी ज्यादा हेल्प करी Xiaomi को एक ब्रांड बनाने में, एक हाइप क्रिएट करने में, और ओवरऑल एक हाइप और एक मार्केटिंग ऐसी क्रिएट हो गई थी ओवरऑल Xiaomi के अराउंड कि उसके जो फोन्स है ना वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देते हैं, लेकिन जैसे ही आते वैसे बिक जाते। तो फ्लैश सेल के कारण इसकी काफी अच्छी मार्केटिंग मिल गई और लोगों को पता चलने लगा कि कोई एक ऐसा फोन आ गया है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही कम दाम में मिलता है और बहुत ही जल्दी तुरंत बिक जाता है। तो इस चीज ने काफी ज्यादा हेल्प करी और इसी चीज के कारण Xiaomi ने अपने बहुत सारे फोन्स को बेच दिया। और MI3 के बाद वो Redmi 1S को भी लाए थे तो वो भी सक्सेसफुल हो गया, वो भी फ्लैश सेल मॉडल के अंदर आया और कई महीनों तक फ्लैश सेल के अंदर बिकता रहा। और इसके बाद जितने भी Xiaomi के फोन्स है सबके सब शुरुआत में फ्लैश सेल मॉडल पर ही आए थे और सब शुरुआत में फ्लैश सेल के अंदर ही बिके, और इससे ये हुआ कि फोन को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई और उनके जो फोन है वो और भी ज्यादा तेजी से बिकने लगे। और फिर बाद में दूसरी कंपनीज ने भी अपने फोन्स को फ्लैश सेल में बेचना चालू कर दिया, जैसे कि लीको के फोन्स भी शुरुआत में फ्लैश सेल में बिकने लगे, यू ने भी अपना यू यूरेका जो था पहला फोन वो भी फ्लैश सेल के अंदर बेचा था, लेनोवो ने भी अपने फोन्स को फ्लैश सेल के अंदर बेचा। मतलब काफी सारी कंपनीज आ गई जो ये सेम चीज को इम्प्लीमेंट कर रही थी। लेकिन जब वन प्लस आई थी तो वो कुछ नया लेकर आए और वो लेकर आए थे इनवाइट सिस्टम जो थोड़ा अलग था फ्लैश सेल वाले मॉडल से और काफी ज्यादा यूनिक था। उसके अंदर उनका कहना ये था कि अभी हमारी जो वन प्लस कंपनी है वो काफी ज्यादा छोटी है और अभी हम इतने सारे फोन्स को बना नहीं सकते, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है वो हमारी वेबसाइट पर आकर रजिस्टर कर दे और जब हमारे पास फोन आ जाएंगे या हमारे फोन जब पूरी तरीके से बन जाएंगे तब हम आपको एक इनवाइट सेंड कर देंगे और उस इनवाइट का यूज करके आप फोन को खरीद सकते हैं। तो ये फ्लैश सेल वाले मॉडल से थोड़ा सा अलग था और थोड़ा सा बेटर भी था, लेकिन इस चीज के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग फोन को खरीदना चाहते थे वो फोन को खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास इनवाइट नहीं था। इसलिए जब कंपनी थोड़ी ग्रो कर गई और जब वो वन प्लस 3 को लाए तो उन्होंने इनवाइट सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दिया क्योंकि वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो चीज लोगों को पसंद थी कि नॉर्मली फोन सेल में बिके, तो जब से जो वन प्लस के फोन है वो नॉर्मली ही ऑनलाइन बिक रहे हैं अमेजन पे। और ऐसा वन प्लस ने इसलिए किया था क्योंकि जो कंपनी थी वो काफी ज्यादा ग्रो कर गई थी और तब उन्हें पता चल गया था कि लोगों को कितने फोन चाहिए और कितने फोन की डिमांड होंगी और इसलिए वो इतने सारे फोन इजिली बना पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने इनवाइट सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन आज की डेट में जो Xiaomi है वो भी फ्लैश सेल का यूज कर रही है और उनका जो भी नया फोन रिलीज होता है ना उस फोन को पहले एक महीने तक खरीद पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर हम Xiaomi के कंपनी साइज के बारे में बात करें, Xiaomi 2014 में काफी छोटी कंपनी थी लेकिन 2018 तक आते आते वो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है और इंडिया में बजट के अंदर जो सबसे ज्यादा फोन जो बिकते हैं ना वो Xiaomi के ही बिकते हैं। और अगर Xiaomi चाहे तो वो अच्छे से फोन को बना सकती है और फ्लैश सेल को बंद करके नॉर्मल सेल में इजी तरीके से बेच सकती है, लेकिन फिर भी वो फ्लैश सेल के अंदर आज की डेट में भी फोन को बेच रही है। पर ऐसा आखिर कर क्यों रही है Xiaomi? मतलब आज की डेट में उसके पास खुद की फैक्ट्रीज लग चुकी है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक बना सकती है, वो इंडिया के अंदर फोन्स को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करवा सकती है, लेकिन तब भी उनके जो लेटेस्ट फोन है उनकी आज की डेट में फ्लैश सेल होती है। जैसे कि पोको F1 है वो बहुत ही जल्दी बिक जाता है, अब रेडमी 6 और 6 प्रो जो तीनों फोन्स आने वाले हैं वो शुरुआत के महीने तक काफी तेजी से बिकने वाले क्योंकि उनकी फ्लैश सेल होगी। और आज की डेट में उनका फ्लैश सेल रखने का वही मेन रीजन है जो 2014 में था, यानी कि मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर देना और एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दो जिससे मार्केट में लोगों को लगे कि एक ऐसा फोन है जो बहुत ही तेजी से बिक जाता है और इस फोन को हर कोई लेना चाहता है और इस फोन की जो कीमत है वो काफी कम दाम में है। और ये चीज लगता है कि Xiaomi के साथ काफी सक्सेसफुल है क्योंकि Xiaomi के फोन काफी ज्यादा तेजी से बिक जाते हैं और देखा जाए तो मार्केट में भी धीरे धीरे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है और दूसरे ब्रांड्स भी काफी अच्छे तरीके से Xiaomi को टक्कर दे रहे हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी Xiaomi ऐसा कर रही है, वो अपने नए फोन्स को भी तेजी से निकाल रही है, उनको कम दाम में निकाल रही है, उन्हें फ्लैश सेल में बेच रही है ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा फोन बिक जाएं।
और Xiaomi चाहे तो वो नॉर्मल सेल में भी अपने फोन्स को बेच सकती है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बेच रही है, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है ना वो भी अपने फोन्स को फ्लैश सेल मॉडल के अंदर ही बेच रही है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें Asus का ओनर का, तो उनके जब भी नए फोन्स आते तो शुरुआत के कुछ दिन तक या फिर पहले कुछ महीनों तक केवल फ्लैश सेल में ही बिकते हैं, बाद में सब नॉर्मल सेल में बिकना चालू होते हैं। और Xiaomi के साथ भी सिमिलर केस है, उनके जो फोन है वो शुरुआत पहले कुछ महीनों तक ही केवल फ्लैश सेल में बिकते हैं और बाद में फ्लैश सेल बंद करके नॉर्मल सेल में बिकना चालू हो जाते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि कुछ टाइम के बाद वो फोन पुराना हो जाता है और Xiaomi फिर कुछ टाइम के बाद आजकल नए फोन्स को ला रही है, तो वो अपने नए फोन्स को प्रमोट करने के लिए उसको फ्लैश सेल में बेचना चालू कर देती है और अपने पुराने फोन को नॉर्मल सेल में बेचना चालू कर देती है। क्योंकि Xiaomi को भी पता है कि शुरुआत में जितने लोगों को फोन खरीदना था वो लोग ये फोन खरीद चुके हैं और इस फोन की जो हाइप है वो आज की डेट में खत्म हो चुकी है, तो अब वो नया फोन लाके उसकी हाइप क्रिएट करेंगे और उस फोन को फ्लैश सेल में बेचेंगे ताकि फिर से हाइप क्रिएट की जा सके और उसके और ज्यादा फोन्स बिक सकें। तो फाइनली यही बात है, Xiaomi या फिर कोई दूसरी कंपनी जो कितनी भी बड़ी हो जाए वो फ्लैश सेल वाले मॉडल को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि फ्लैश सेल उसकी हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा फोन बेचने में। बाकी आप लोगों को क्या पसंद है, फ्लैश सेल होनी चाहिए या फिर नॉर्मली सेल में ही फोन को मिलना चाहिए? थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।